ये ठंडा होने के लिए दूसरा बर्तन में हम उझल देते हैं, पलट देते हैं। ऐसा स्वाद बना हेलो नमस्कार दोस्तों, आज किचन में बनेगा चिकन मसाला बनेगा। और चिकन मसाला बनाने के लिए हम गमला में चिकन ले लिए हैं। और चिकन मसाला बनाने वाला वीडियो आप लोग को देखने में कैसा लगता है वो नीचे कमेंट में बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक ला बने रहिए। तो चलिए हम किचन में आज चिकन मसाला बनाएंगे, और चिकन मसाला बनाएंगे अपने गांव देहात के नए नए तरीका से चिकन मसाला बनाएंगे। चिकन लेकर के चलते हैं किचन में दोस्तों। चिकन लेकर के किचन में पहुंच गए हैं, तो चलिए नीचे में रखते हैं और पानी डाल करके बढ़िया से साफ कर लेते हैं। तो चलिए चिकन बढ़िया से धो लिए हैं, तो चलिए छिपा में रखते हैं। तो फिर से धोते हैं। बढ़िया से धो लिए हैं, तो चलिए चिकन छान करके रखते हैं छिपा में। चिकन में डालने के लिए सभी मसाला ले लिए हैं। जो मसाला लिए हैं उसका नाम बताते हैं। ये धनिया पाउडर है, ये तेजपत्ता है, ये जीरा है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये हल्दी है, ये लहसुन है, ये गुल मिर्च है, इधर प्याज है, इधर हरी मिर्च है। ये सभी मसाला डालने से चिकन मसाला बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों प्याज काट लिए हैं, दोस्तों ईंटा लाए हैं चूल्हा बनाने के लिए, तो चलिए हम ईंटे के आज चूल्हा बनाते हैं। दोस्तों आज ईंटे के हम चूल्हा बना लेते हैं। आज ईंटे के चूल्हा पर हम चिकन मसाला बनाएंगे। दोस्तों ईंटा के तो चूल्हा बना लिए हैं चिकन मसाला बनाने के लिए, तो आज चिकन मसाला बनाने के लिए लहसुन मरीच हरी मिर्च सभी को हम पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए हरी मिर्च डाल देते हैं, तो चलिए सभी डाल दिए हैं, तो सभी को हम पेस्ट बना लेते हैं। दोस्तों पेस्ट बना लिए हैं, तो चलिए उठा लेते हैं। दोस्तों सभी पेस्ट पीस लिए हैं, उसके बाद जो है चिकन मसाला बनाने के लिए माटी के बर्तन में हम सबसे पहले सरसों तेल डाल देते हैं। दोस्तों माटी के बर्तन में सरसों के तेल डाल दिए हैं, तो चलिए सभी फोरन हम डाल देते हैं। सबसे पहले फोरन के लिए तेजपत्ता डाल देते हैं, उसके बाद हम लाल मिर्चाई डाल देते हैं, उसके बाद जो है हरी मिर्च डाल देते हैं, उसके बाद चलिए हम थोड़ा जीरा डाल देते हैं, सभी डाल दिए हैं, उसके बाद चलिए हम प्याज डाल देते हैं। तो चिकन मसाला के लिए प्याज डाल दिए हैं, उसके बाद चलिए चिकन डाल देते हैं। तो माटी के बर्तन में चिकन डाल दिए हैं, उसके बाद चलिए हम धनिया पाउडर डाल देते हैं। धनिया पाउडर डाल दिए हैं, मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं, उसके बाद चलिए हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, उसके बाद चलिए गरम मसाला डाल देते हैं। दोस्तों सभी मसाला तो डाल दिए हैं, उसके बाद जो है
हरी मिर्च, लहसुन पेस्ट, गोल मिर्च सभी पेस्ट हम डाल देते हैं। दोस्तों सभी मसाला डाल दिए हैं, उसके बाद चलिए रोस्ट के लिए थोड़ा हम पानी डाल देते हैं। तो चलिए तो रोस्ट के लिए हम पानी भी डाल दिए हैं, चलिए उसके बाद हम चूल्हा जोड़ लेते हैं। दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए माटी के बर्तन हम चूल्हा पर चढ़ा देते हैं। दोस्तों ढक्कन से हम ढके हुए हैं, इसमें थोड़ा हम आटा चिपका देते हैं। दोस्तों इस तरह से चलिए हम बढ़िया से आटा के चिपका देते हैं, जो भाप नहीं निकलेगा। आटा चिपकाने से क्या होता है, भाप अंदर ही रह जाता है। चिकन मसाला बढ़िया से चिकन मसाला बन करके तैयारी हो जाएगा, भाप बाहर नहीं निकलेगा। दोस्तों चिकन मसाला बनाने के लिए बढ़िया से माटी के बर्तन में हम चिकन डाल करके गेहूं के आटा चिपका करके ढक्कन लगा दिए हैं चिकन मसाला बनने के लिए। तो चलिए हम चूल्हा पर ईटा के चूल्हा पर चढ़ाए हुए हैं, तो आधा घंटा के बाद देखेंगे जो चिकन मसाला बन करके तैयारी हुआ कि ना। तो चलिए हम आँच लगाते हैं। ईटा के चूल्हा पर माटी के बर्तन में चिकन मसाला बनाने वाला वीडियो आप लोग को देखने में कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आधा घंटा पूर गया है, तो चलिए देखते हैं चिकन मसाला बन करके तैयारी होगी या होगा, तो चलिए उघार करके देखते हैं। दोस्तों बहुत मिट्टी के ढक्कन गर्म हो गया है, हाथ पकता है। दोस्तों ढक्कन हटा करके देखे हैं चिकन मसाला बन करके तैयारी हो गया है, तो चलिए उतार करके नीचे रखते हैं। दोस्तों मिट्टी के बर्तन में चिकन मसाला बन करके तैयारी हो गया है, बहुत ही गमक रहा है, सेंट दे रहा है। तो चलिए ठंडा होने के लिए दूसरा बर्तन में हम उझल देते हैं, पलट देते हैं। दोस्तों चिकन मसाला बना करके तैयारी कर लिए हैं, तो चलिए केले के पत्ता पर चिकन मसाला डाल करके देखते हैं खाकर कैसा स्वाद बना। दोस्तों चिकन मसाला तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगा है, ये चिकन मसाला खाने वाला वीडियो आप लोगों को देखने में कैसा लगता है वो नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।